हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे टीनेजर्स का ही आता है। कम एज के जो लड़के हैं वो ये पूछते हैं कि अगर हम छोटी एज में, कम एज में जिम जाना शुरू कर देंगे तो हमारी कहीं हाइट ना रुक जाए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि ब्रॉड होते हैं जैसे, तो उसमें हम जो लेंथ में डेवलपमेंट नहीं होती। पर फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपकी हाइट कभी भी जिम से नहीं रुकने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात बता दें, जो भी कम एज के लड़के हैं, कम एज के हैं लड़के हो या लड़कियाँ जिम जाना चाहते हैं, वो अगर एग्जांपल लें 14 से 16 एज का कोई भी लड़का जिम जाना चाहते हैं, वो ये सोच रहा है कि उसकी हाइट रुक जाएगी, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या बता, उस एज में ना तो हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, हमारी बोन्स उस स्ट्रेंथ में आई हैं जो एक्चुअल उसकी नॉर्मल एडल्ट की स्ट्रेंथ होती है। अभी उन्होंने मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपनी अचीव नहीं की। हमारे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स भी अभी इतने प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब कहने का ये मतलब है, स्पाइन भी इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती। स्पाइन में भी अभी जो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ है, वो उन्होंने अभी स्पाइन ने भी उतनी नहीं पाई अपनी स्ट्रेंथ। अभी सब चीज़ें वीक हैं हमारे लिगामेंट, ये कहने का मेरा मतलब है। जब ये सब चीज़ें वीक हैं तो हम क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप जब आप जिम जा रहे हैं या जिम के साथ साथ आप सबसे पहले क्या करें, फ्री वेट्स, वेट को छोड़ के बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ज़रूर लगाएं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज लगाने का क्या फ़ायदा होगा, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो आपकी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके लिगामेंट्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, स्पाइन को एक्सरसाइज करने में एडेप्टेशन मिलेगी। एक्सरसाइज करना स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि लिटिल ट्रॉमा, जो माइक्रो ट्रॉमा, उनको मिलते रहेंगे जब आप नॉर्मल अपने बॉडी वेट की एक्सरसाइज करेंगे, तो एक हैबिट से बन जाएगी फुल बॉडी की और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, अपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेज में क्या लगाना है, पुशअप्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, पुलअप्स लगाएं, ठीक है, जिसको चिनअप्स कह देते हैं, ठीक है, हैंगिंग पोजीशन में जो होते हैं, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, और हम लगा सकते हैं अपने बॉडी वेट स्क्वाट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लंजेस लगा सकते हैं, क्रंचेस लगा सकते हैं एब्स के लिए। ये सारी एक्सरसाइजेज जब आप डेली रूटीन में रोज़ लगाएंगे तो हम आप देखेंगे कि आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बोन्स स्ट्रांग हो रही हैं, जो अपने लिगामेंट्स, जॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि पहले वीक होंगे क्योंकि आपकी अभी प्री मैच्योर स्टेज है, आप अभी मैच्योर नहीं हुए, आपकी एज कम है, तो ये सारी चीज़ें वीक होंगी। पर एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, हैबिचुअल होती रहेगी बॉडी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगी, तो स्पाइन भी वेट उठाने लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद जब आप जिम ज्वाइन करेंगे या साथ साथ में ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और साथ में जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप ये होगा कि जिम में जब आप जाएं तो हैवी वेट ना लगाएं, लाइट वेट के साथ ज़्यादा रैप लगाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम हैवी वेट नहीं लगाएंगे तो हमारा मसल नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल मिथ है। ठीक है, आपको इस इंजरी हो सकती है अगर आप, आपकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है और आप प्लेट्स भर ही जा रहे हैं फ्रेंड, तो आपको इंजरी होने के खतरे हैं। पर इसका कोई भी साइंटिफिक कोई स्टडी नहीं है कि आप कहें कि हैवी वेट लगाने से ही मसल ग्रोथ होगी। मसल डेफिनेशन, मसल ग्रोथ जो है तभी होती है जब आपका अच्छी तरह मसल टेयर हो, मतलब कि माइक्रो टेयर, जो गुड टेयर होता है, अच्छी तरह हो, जिसके कारण आपका जब आप डाइट लें तो उससे आपकी मसल की ग्रोथ हो। पर फ्रेंड्स, जब आप सिर्फ हैवी लगाने की सोचते हैं, आप मोमेंटम का यूज़ करते हैं, या आप मतलब जैसे भी लगा के बड़ी मुश्किल से हैवी लिफ्ट कर पाते हैं, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आप पहले ही, आपके लिगामेंट्स वगैरह अभी उस एज में नहीं है, ऊपर से आप प्लेट्स भर रहे हैं अपने आसपास देख के, बॉडी बिल्डर्स को देख के जो कि बहुत मैच्योर एज के हैं, और आप अभी टीनेजर हो, आप उनको देख के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट्स भरने की कोशिश करें तो स्पाइन पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और फ्रेंड्स, जब आप हैवी स्क्वाट्स, हैवी डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, उनको देखा देखी, मतलब अपने वेट के अकॉर्डिंग जितना आप लगाना चाहिए आपको, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम रैप्स लगाने चाहिए कम वेट पे, और पहले बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से ही शुरू करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंफोसिस जो है, ध्यान जो है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज पे देना चाहिए। ठीक है, जो आप बिना किसी वेट से लगा लें, सिर्फ अपनी बॉडी का वेट उठाना है।
पर अगर आप सीधा वेट्स ज़्यादा लिफ्ट करने की, ज़्यादा प्लेट्स जब लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको इंजरी का खतरा तो होता है, स्पाइन भी कंप्रेस होती है। स्पाइन कंप्रेस होने से क्या होगा, आपकी एक्चुअल जो हाइट, एक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, उसमें हिंड्रेंस आएगी, क्योंकि जब उस एज में आपकी स्पाइन का फ्री रहना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंप्रेशन में ही रहेगी क्योंकि आपने हैवी लिफ्ट किया है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मसल्स ग्रोथ होने के लिए 72 घंटे की रेस्ट होती है, उसी तरह हमारी बोन्स और इनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, हमारी स्पाइन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, लिगामेंट्स को भी रेस्ट की ज़रूरत है अच्छी ग्रोथ के लिए, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इनकी नेचुरल जो ग्रोथ है वो होने के लिए इनकी रेस्ट भी ज़रूरी है। पर जब आप ओवरलोड करते हैं तो कंप्रेशन के साथ आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप उस हैवी वेट के कंप्रेशन में रहेगी आपकी स्पाइन, ठीक है। आप जब जिम से बाहर भी आ जाएंगे तब भी वो कंप्रेशन रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि वो एक रबड़ नहीं है, कि आप सोचें कि उसी टाइम कंप्रेशन रहा और वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, स्पाइन कुछ हद तक रिकवर कर लेती है अपनी उस लेंथ को, पर अगर आप रोज़ हैवी लगा रहे हैं, ठीक है, बिना देखे, गलत फॉर्म के साथ, बिना किसी इंजरी के डर के आप हर चीज़ में हैवी लगाने की कोशिश करें, लोगों के साथ कंपीट करने की कोशिश करें, तो आपकी स्पाइन परमानेंटली कंप्रेस हो ही जाएगी। मतलब एक दो इंच का तो एक्चुअल जो जेनेटिक्स आपकी कहती है कि इतनी आपकी हाइट होगी, उसके मुकाबले आपकी ग्रोथ कम ही होगी, क्योंकि जब वो स्पाइन कंप्रेस रहेगी तो वो एक्चुअल हाइट नहीं अटेन कर पाएगी, उसको प्रॉब्लम होगी उतनी हाइट अटेन करने में जो एक्चुअल आपकी ग्रोथ होनी है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने लाइट लगाना है और मैक्सिमम रैप्स लगाने की कोशिश करें, मसल डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, मसल ग्रोथ उसके साथ होगी, मैक्सिमम रैप्स के साथ भी मसल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए हैवी लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करें और अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, क्योंकि जब आप जिम जाने शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम एक नेचुरल, मैं आपको कोई सप्लीमेंट लेने के लिए कह रहा, क्योंकि आप टीनेजर हैं, आप नेचुरली करें ग्रो अपना, और वो होगा भी, पॉसिबल भी है, नेचुरल ग्रो करना भी पॉसिबल है। बस अपनी डाइट में प्रोटीन वगैरह, कॉम्प्लेक्स कार्ब वगैरह, गुड फैट, गुड फाइबर रिच आपकी डाइट, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है, जिस मल्टी विटामिन वगैरह, चाहे वो नेचुरल तरीके से आप लें, मल्टी विटामिन वगैरह, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन सी वगैरह जो बहुत ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि आपकी स्किन वगैरह बढ़िया रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, तब ये गारंटी है कि आपकी कभी भी हाइट नहीं रुकने वाली जिम के जिम